कुमार रवि जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हम लेथ का लेक्चर शुरू किए हुए थे, लेथ का लेक्चर आपको शुरू किए हुए थे, उसमें आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ एक्सेसरीज के बारे में। लेथ एक्सेसरीज कौन कौन से एक्सेसरीज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो लेथ में आपको यूज होते हैं। तो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है दो कैटेगरी के आपको लेथ के एक्सेसरीज होते हैं। एक तो होता है वर्क होल्डिंग के लिए, वर्क को होल्ड करने के लिए, वर्क को सपोर्ट करने के लिए, और ड्राइविंग डिवाइसेस के लिए, है ना, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, वर्कपीस को लेथ में, लेथ बेड पे सपोर्ट करने के लिए और ड्राइविंग डिवाइसेस के लिए, ये एक तरह का कैटेगरी का एक्सेसरी होता है। दूसरा होता है कटिंग टूल डिवाइसेस, कटिंग टूल को जो होल्ड करता है वो आपको डिवाइसेस होता है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में आपको जो है लेथ सेंटर्स है, चक्स है, फेस प्लेट्स है ना, हाँ, तो लेथ सेंटर्स है, चक्स एंड फेस प्लेट है, सभी का एक एक करके आपको डिस्क्रिप्शन आपको हम दिखाएंगे। मैंड्रल्स है, स्टडी एंड फॉलो रेस्ट है, लेथ डॉग्स है एंड ड्राइव प्लेट्स है ना। तो ये आठ जो है आपको वर्क होल्डिंग और सपोर्टिंग डिवाइसेस है। और दूसरा कटिंग टूल होल्डिंग के लिए स्ट्रेट एंड ऑफसेट टूल होल्डर्स है, थ्रेडिंग टूल होल्डर्स है, बोरिंग बार्स है, और टरेट टाइप टूल पोस्ट है ना, टरेट टाइप आपको टूल पोस्ट है। ये आपको ये दो कैटेगरी के आपके जो एक्सेसरी हैं वो आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए आपको यहाँ पर आपको थ्री जॉ चक आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, वर्क पीस को होल्ड किया जाता है ना, वर्क पीस को आपको होल्ड किया जाता है। कैसे होल्ड किया जाता है, यहां पे देखिए, होल्डिंग द वर्कपीस इन ए थ्री जॉ चक, यहां पे वर्कपीस को आपको दिखाया गया है ना, वर्कपीस को आपको दिखाया गया है, ये आपको यहां पे दिखाया गया, ये आपको थ्री जॉ चक है। थ्री जॉ चक का ये इसमें आपको ये स्पेशलाइजेशन है ना, इसमें ये जो तीनों आपको जो जॉ दिखाई दे रहे हैं ना, तीन जॉ दिखाई दे रहे हैं, और तीन जॉ ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपको चक्की दिखाई दे रहा है। ये चक्की को ना ये जो होल है ना यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पे लगा के उसको घुमाते हैं, घुमाने से आपका जो तीनों जॉ का जो आपको ये दिखाई दे रहा ना, तीनों जॉ खुलता है और आपको बंद होता है ना, और ये आपको थ्री जॉ चक है, ये आपको थ्री जॉ चक है, और ये आपको सेल्फ सेंटर्ड है, इसमें आपको वर्कपीस जो है खुद ही आपको सेंटर्ड हो जाता है। फोर जॉ चक में आपको सेंटरिंग करना पड़ता है ना, फोर जॉ चक में आपको जो है आपको सेंटरिंग करना पड़ता है। ये जो है ना आपको थ्री जॉ चक है ना, आपको राउंड जॉब के लिए आपको यूज किया जाता है, होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, राउंड और हेक्सागोनल है ना, ये राउंड और हेक्सागोनल जॉब को आपको क्लेम करने के लिए आपको यूज किया जाता है ना। थ्री जॉज आर कनेक्टेड, ये सारे तीनों जॉब जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब आप ये चक्की यहां पे देके आप उसको टर्न करेंगे ना, तो तीनों एक साथ खुलेगा और एक साथ बंद होगा, है ना।
तो आपके जो जाव हैं ये आपको 1, 2, 3 आर फिटेड इन द ऑर्डर। ये आपको 3 जॉ चक है, ये 3 जॉ चक के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया। वर्क पीस देखिए, यहाँ पे आपको 3 जॉ चक में आपको होल्ड किया गया है ना। ये आपको वर्क पीस है, ये आपको वर्क पीस है, ये आपको वर्क पीस है, ये आपको होल्ड किया गया है। ये आपको वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, ये आपको 3 जॉ चक है, 3 जॉ चक के बारे में आपको ये दिखाया जा रहा है ना। ये आपको 3 जॉ चक है और ये आपको 4 जॉ चक है। दो तरह का आपको ये आपको जो चक होता है ना, दो तरह का होता है। यहां पर चक्की लगाते हैं, इसमें सेल्फ सेंटरिंग हो जाता है, इसमें इसमें सारे अलग अलग रहते हैं। ये जो 4 जॉ है ना, सारे अलग अलग रहते हैं, एक एक करके इसमें 4 होल रहता है ना। यहां भी होल रहेगा, यहां भी होल रहेगा, यहां भी होल रहता है 4 जॉ में। तो दो तरह का जो है आपको चक है, 3 जॉ एंड द 4 जॉ है ना। और दूसरा है सेंटर्स, लाइफ सेंटर, लाइफ सेंटर एंड द डेड सेंटर। ये आपको डेड सेंटर टेल स्ट्रोक में आपको लगाया जाता है और लाइफ सेंटर आपको हेड स्ट्रोक में लगाया जाता है। इससे जो है सेंटर लगा करके ये जो वर्कपीस है, वर्कपीस को आपको होल्ड किया जाता है ना। ये जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस को आपको जो है यहाँ पर आपको होल्ड किया जाता है और इसको टर्न किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ये आपको सेंटर्स है, हेड स्ट्रोक में लाइफ सेंटर रहता है और टेल स्ट्रोक में आपको डेड सेंटर रहता है। ये आपको आपको सेंटर्स है ना। देखिए ये फेस प्लेट है ना, ये जो आपका है ना, ये आपको फेस प्लेट है। फेस प्लेट में कहीं भी जॉब को आप यहां पर आपको क्लेम कर सकते हैं। यहां पे देखिए वर्कपीस को आपको क्लेम किया गया है ना, वर्कपीस को क्लेम किया गया है, यहां पर आपको क्लेम किया गया है। तो ये जो आपका भी ग्रुप आपको बना हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको ग्रुट बना हुआ है ना। बोलिए रवि जी, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो ये आपको फेस प्लेट है, फेस प्लेट में कहीं भी आप जो है ये जो ग्रुट बना हुआ है उसमें आप वर्कपीस को होल्ड करना चाहे होल्ड कर सकते हैं। ये आपको फेस प्लेट है ना, फेस प्लेट में किया जाता है। ये आपको डॉग्स है ना, ये आपको डॉग्स है, ये आपको आपको ग्रुट बना हुआ है। ये ग्रुट जो है आपको वहां पर फेस प्लेट में लगाते हैं और ये आपको टेल है। आप इसको वर्कपीस में आपको जो है कहीं भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, है ना। ये आपको डॉग्स है। तो ये जो है आपका, ये जो आपका मैंड्रल है, ये आपका मैंड्रल है। वर्कपीस को देखिए यहां पे होल्ड किया गया है ना, वर्कपीस को सपोर्ट किया गया, मैंड्रल में वर्कपीस को आपको सपोर्ट किया गया है। ये आपको मैंड्रल का फिगर है, मैंड्रल भी आपका वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है, ये आपका वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है ना। और दूसरा सर इसका काम क्या है? मैंड्रल जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपको टेल स्ट्रोक में लगा दिया जाएगा और ये वाला जो हेड स्ट्रोक में लगा दिया जाएगा। और मैंड्रल जो बीच में होलो पार्ट होता है ना, होलो पार्ट का अगर वर्कपीस होलो होता है ना तो यहाँ पे इसको होल्ड किया जाता है और वर्कपीस को होल्ड करने के लिए काम आता है, है ना। वर्कपीस को होल्ड करने के लिए मैंड्रल का काम आता है कि बीच में होल्ड करेंगे तो फिर उसके लिए काम आता है ना। तो एक जो है यहाँ पे टेल स्ट्रोक में लगा दिया जाता है, दूसरा हेड स्ट्रोक में लगा दिया जाता है। और ये वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जो आपको दोनों के बीच में आपको ये मैंड्रल का काम होता है ना, ये आपको मैंड्रल का काम होता है। सारे जो इक्विपमेंट्स है आपको एक एक करके दिखाया जा रहा है। ये आपको स्टडी रेस्ट है एंड द फॉलोवर रेस्ट है ना। स्टडी रेस्ट, फॉलोवर रेस्ट तभी यूज करते हैं जब जो है वर्कपीस लंबा है, वर्कपीस बड़ा है ना। तो ये देखिए, ये जो है ना बेड है, लेथ बेड आपको मैं दिखा रहा था ना, ये आपको लेथ बेड है,
वर्कपीस बड़ा रहता है तो ये आपको स्टडी रेस्ट यूज करते हैं, ये आपको वर्कपीस है और ये आपको तीन जॉ आपको दिखाए जा रहे हैं, ये आपको इससे आपको क्लेम किया जाता है, ये आपको स्टडी रेस्ट है ना, है ना? जो लेथ बेड होता है ना, लेथ बेड में आपको वर्कपीस लंबा है तो इसको यूज किया जाता है, ये आपको स्टडी रेस्ट है। और ये स्टडी रेस्ट में फॉलोअर रेस्ट में आपको ये फर्क है कि इसमें दो रहता है, दो जॉ रहते हैं फॉलोअर रेस्ट में, एक साइड से आपको टूल आता है, ये वर्कपीस को होल्ड किया जाता है ना, ये आपको आपको कैरेज है ना, स्टडी एंड फॉलोअर रेस्ट है। जब वर्कपीस लंबा रहेगा ना तो बेड में इसकी मदद से उसको होल्ड करते हैं, है ना। और ये देखिए आपको टूल पोस्ट है, ये आपको टूल होल्डिंग डिवाइसेस दिखा रहा है, आपको ये टूल पोस्ट है ना, टूल पोस्ट है, टूल पोस्ट, देखिए टूल पोस्ट के बारे में आपको ये दिखा रहा है, ये आपको लॉकिंग स्क्रू है, ये आपको टूल होल्डर है, ये आपको रॉकर है, ये आपको रॉकर सीट है, ये आपको स्क्वायर बेस विच फिटेड इन टू द स्लॉट इन द स्लाइड, ये आपको है ना, और ये आपको लॉकिंग लीवर है, ये आपको स्क्रू ऑफ द स्क्रू सिक्योरिंग द टूल्स, है ना, ये आपको टूल पोस्ट, ये यहाँ पे टूल लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे टूल लगाया जाता है, ये जो तीन स्क्रू है ना, ये जो तीन स्क्रू दिखाया गया है, ये तीन स्क्रू की मदद से जो है ना उसको जो है टाइट किया जाता है, और जो है आपको है ना, तो ये जो है चार डिफरेंट टूल होल्डर्स को आपको जो है कैरी कर सकता है, एक एक ट्रे जो है आपको, हाँ चारों साइड में आपको इसको कैरी कर सकता है ना, फिटेड ऑन द टॉप स्लाइड एंड कैरी द कटिंग टूल और द कटिंग टूल होल्डर, ये आपको टूल पोस्ट है जो कि आपको टूल को आपको कैरी करने के लिए आपको यूज किया जाता है ना, ये आपको टूल होल्डर आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आपको स्ट्रेट टूल होल्डर है, ये आपको टूल है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको क्लेम किया गया है, ये आपको लेफ्ट हैंड टूल होल्डर है, यहाँ पर इसको क्लेम किया गया है, और ये आपको राइट हैंड टूल होल्डर है, आपको ये डिफरेंट टाइप का, ये तीन तरह का आपको मिला रहता है, आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड एंड स्ट्रेट, ये आपको तीनों जो है टूल होल्डर आपको यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ना, इसको टूल को यहाँ पे आपको लगा करके, और ये जो टूल होल्डर है यहाँ पर आपको साइड में लगाएंगे, है ना, टूल होल्डर है, ओके सर, ये आपको कटिंग टूल्स है, ये आपको टूल होल्डर का काम तो सर वहीं पे ना होगा उस वो वाला लगाने में। हाँ टूल होल्डर को मैं टूल को लगाते हैं, जो टूल होल्डर का मैंने आपको लेथ में आपको दिखाया था ना, टूल होल्डर लेथ में ही लगेगा ना सर, हाँ लेथ में ही लगेगा, हाँ लेथ में ही लगेगा, मैं आपको फिर से आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लेथ पे है, मैं आपको लेथ का फिगर आपको दिखा देता हूँ टूल होल्डर का, हाँ कल बताए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको लेथ में आपको टूल होल्डर है, ये देखिए टूल पोस्ट है ना, यहीं पे टूल होल्डर है, यस सर, ये आपको, हाँ हाँ ये आपको टूल होल्डर है ना, ये आपको टूल पोस्ट दिखा रहा है ना यहाँ पे, यस सर, कैरेज में आपको टूल पोस्ट है ये, तो टूल में आपको लगेगा, आप लेथ मशीन पे जा करके इसको देख सकते हैं, लेथ मशीन पे जा करके आपको वहां पर देख सकते हैं कैसे टूल को उसमें फिक्स किया जाता है, और टूल को फिक्स करना, रिजिडली फिक्स करना वो आपको जरूरी है, ओके सर, है ना, ये यस सर, ये आपको कटिंग टूल है, कटिंग टूल जो होता है ना हाई स्पीड स्टील का बना होता है, हाई स्पीड स्टील का, ये सारे जो आपका हाई स्पीड स्टील का जो है ये आपको बना हुआ रहता है, दूसरा आपको ये टिप रहता है, ये टिप टूल, ये जो टूल बिट है ना वो आपको हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और ये आपको टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड का आपको बिट लगा हुआ है, तो ये आपको टूल दो तरह का होता है, एक तो इस तरह का रहता है, एक इस तरह बिट लगा हुआ रहता है, टिप लगा हुआ रहता है, ये आपको कटिंग टूल आपको दिखाया जा रहा है ना, ये आपको कटिंग टूल है,
है ना। ये जो आपको डिफरेंट शेप ऑफ द टूल आपको दिखाया गया है ना, टूल है ये सारे टूल हैं। आपको देखिए ये जो है रफिंग टूल है, रफिंग टूल में आपको काम आता है ये, आपको डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, कई ऑपरेशंस होते हैं, नर्लिंग होते हैं, थ्रेडिंग होते हैं, तो सभी के लिए अलग पार्टिंग होता है, रिसेसिंग होता है, तो आपको टेपर टर्निंग होता है, सभी के लिए जो टूल का जो टिप है ना वो अलग अलग यहाँ पे बनता है लेथ में, है ना, और डिफरेंट शेप्स उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको सारे तरह के, ये आपको रफिंग टूल्स है, ये आपको टर्निंग टूल्स है, राइट एंड लेफ्ट टर्निंग टूल्स है, और ये आपको रिसेसिंग टूल है, ये आपको पार्टिंग टूल है। पार्टिंग टूल का काम है जॉब को अलग करना, जॉब को अलग करना। ये आपको नी टूल है, राइट एंड लेफ्ट नी टूल है ना, राइट एंड लेफ्ट नी टूल है, ये जॉब को अलग करना, जो डिफरेंट कटिंग है ना आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए लेथ में जितने कटिंग ऑपरेशंस होते हैं सारे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, क्या क्या आपको ऑपरेशंस होते हैं। ये सारे ऑपरेशन का ना फिगर आप इस प्रैक्टिकल कॉपी में आप बनाइए, फिर आपको क्लियर होगा, और दूसरा लेथ पे जाके काम कीजिए तो आपको क्लियर होगा। देखिए ये जो है स्ट्रेट टर्निंग है, ये जो टूल है ना ये डेप्थ ऑफ कट है, और ये आपको फिड है, ये फिड है, इधर जो जाता है ना उसको फिड बोलते हैं, और ये जो है ना इसका परपेंडिकुलर उसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, ये आपको स्ट्रेट टर्निंग है ना, ये स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन है, और ये आपको टेपर टर्निंग ऑपरेशन है, इसमें टेपर किया जाता है, इसमें स्ट्रेट किया जाता है, जॉब को स्ट्रेट बनाया जाता है, इसमें आपको टेपर किया जाता है ना, इसमें टेपर किया जाता है, और ये आपको प्रोफाइलिंग ऑपरेशन है, इसमें प्रोफाइल बनाया जाता है। देखिए कितना कितना अच्छा प्रोफाइल इसमें आपको लेथ में बनाया गया है, देखिए इस तरह का जॉब जो है आप बना सकते हैं, है ना, है ना, यस सर। ये आपको प्रोफाइलिंग ऑपरेशन है, ये आपको टर्निंग एंड एक्सटर्नल ग्रूविंग है, ग्रूव बनाना है बीच में, टर्निंग करना है, तो ये आपको टूल यूज होता है ना, ये आपको टूल यूज होता है। दूसरा ये फेसिंग ऑपरेशन है, फेसिंग करते हैं ना, ये एक साइड में फेस करते हैं, ये जो मटेरियल है ना इसको हटाया जाता है, तो फेसिंग करते हैं, तो फेसिंग का जो है आपको दिखाया गया है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। दूसरा फेस ग्रूविंग करते हैं, तो ये टूल दिखाया गया है ना, यस सर। और ये फॉर्म टूल है, देखिए इस तरह का जो फॉर्म है ना, इस तरह का जो शेप है ना, इस तरह का शेप यहाँ पे बन जाएगा, लेथ में बन जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट शेप होगा आप वो जो है टूल पे बना दीजिए, है ना, फॉर्म टूल पे बना दीजिए, किसी भी तरह का शेप टूल में बना दीजिए, और वो आपको यहां पर वर्कपीस में बन जाएगा, है ना, यस सर, है ना, कटिंग विद ए फॉर्म टूल, ये आपको फॉर्म टूल बन जाएगा, है ना, ये आपको बोरिंग है, देखिए ये पहले आपको यहाँ पे होल किया गया था, ये आपको बोरिंग टूल है, ये टूल अंदर जा करके इसको जो है होल को बड़ा कर रहा है, होल को बड़ा कर रहा है, ये आपको बोरिंग ऑपरेशन, ये जो टूल्स है अंदर में, ये कौन सा टूल्स है, बोरिंग टूल है, ये जो है बोरिंग टूल है, अच्छा बोरिंग टूल्स, बोरिंग बी ओ आर आई एन जी, बोरिंग एंड इंटरनल ग्रूविंग, नहीं सर वो सर मैं वो बोल रहा हूँ जो क्या बोलते हैं, हाँ जूम करिए सर, इसको बड़ा करिए थोड़ा सा फिगर, इसीलिए ना इसमें अच्छा है ना, उतना साफ सुथरा चल रहा है, जूम कर दीजिए इसको, हाँ आप बताएं, ये जो है ना ये आपको टूल लगा हुआ है, और यहाँ पे टूल टिप है, तो ये वर्कपीस घूमता है ना, तो ये जो होल है ना, ये आपको होल बड़ा होगा आपका,
है ना। आगे समझ में आ गया जी सर? यस सर। ये बोरिंग होगा, ये जो है ना, बोरिंग का मतलब है ये जो देखिए, ये जो होल है ना, आपको इनलार्ज हो रहा है, ये होल आपको इनलार्ज होते जा रहा है, ये पहले से होल बना हुआ है, आपको ये धीरे धीरे जो है आपको बड़ा होता जा रहा है ना, ये आपको बोरिंग टूल है, बोरिंग होगा, बोरिंग इनलार्ज होगा वो। दूसरा ये आपको ड्रिलिंग है, होल करना है, छेद करना, होल करना है, ड्रिलिंग करते हैं आपको टेल स्ट्रोक में, टेल स्ट्रोक में ये ड्रिल बिट लगाते हैं और उसको ड्रिलिंग करते हैं, है ना, ये आपको ड्रिलिंग टूल है, ड्रिलिंग टूल है। और ये आपको फॉर्म टूल है जो आपको दिखाया था, जिस तरह का शेप इस पे बनाना है ना, ये वर्कपीस है, उसी तरह का शेप यहां पे बना हुआ है, जॉब बना हुआ है करके। हां ये जॉब बना हुआ है, इसी तरह जॉब बनता है ना। हां 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 ये आपको जॉब बना हुआ है। तो ये सब जॉब मतलब कहां पे प्रयोग किया जाता है सर? ये मतलब जॉब ऐसा अनुकूल है कि बनाएगा, लेकिन इसका प्रयोग कहां पे होता है, क्या चीज में होता होगा? नहीं, बहुत तरह के ऑटोमोबाइल में होता है, ऑटोमोबाइल में बहुत तरह के शाफ्ट बनते हैं और भी बहुत तरह के मशीन के पार्ट्स बनते हैं, इसका बहुत यूज है, इक्विपमेंट का पार्ट बनाया जाता है सर। हाँ हाँ हाँ, इक्विपमेंट में आपको मशीनरी का बहुत ज्यादा इक्विपमेंट है तो वहां पर आपको यूज किया जाता है ना। तो इसका बहुत ज्यादा आपको काम है, यूज होता है। हाँ, लेथ का जो है बहुत ज्यादा काम होता है, ये आपको कटिंग ऑफ है, ये ना ये दोनों को अलग कर देगा, कटिंग ऑफ कर देगा, ये जो टूल है ना, ये इस पार्ट से इस पार्ट को अलग कर देगा, ये आपको कटिंग ऑफ है। और ये आपको थ्रेडिंग है, चूड़ी काटना है ना, तो ये आपको नुकीला रहता है, आपको थ्रेडिंग टूल है ना, थ्रेड काट करता है, ये भी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ये डिफरेंट टाइप का थ्रेड का शेप जो है ना आपको आपको कट करता है, ये आपको थ्रेडिंग टूल है ना, ये आपको थ्रेडिंग टूल है। और दूसरा ये नर्लिंग टूल है, ये इस तरह का शेप बनाना है ना इस पे वर्कपीस पे, है ना, इस तरह का शेप बनाना है तो नर्लिंग यूज करते हैं, है ना, ये यहाँ पे इस तरह का शेप आपको करना है तो ये आपको नर्लिंग टूल यूज करते हैं। ये सारे आपको जो है डिफरेंट ऑपरेशंस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, जो जो लेथ में होता है सभी का आपको बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी दिया गया है ना, है ना। तो ये आपको जितने लेथ कटिंग ऑपरेशंस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर बताए गए, और उसके बाद आपको देखिए एक एक करके आपको बताया जा रहा है। ये आपको टर्निंग है, टर्निंग है, देखिए ये आपको टूल है और ये आपको चिप निकल रहा है, इधर आप डेप्थ ऑफ कट लगाते हैं और इधर फिट लगाते हैं, ये आपको वर्कपीस है, वर्कपीस को चक में आपको टाइट किया गया है और कटिंग स्पीड आपको दिया गया है, ये आपको मशीन सरफेस है, ये आपको टर्निंग ऑपरेशन है ना, ये आपको टर्निंग ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशन का एक एक करके आपको ये आपको आपको क्लियर कर रहे हैं, ये जो है आपको टर्निंग ऑपरेशन है ना, ये आपको टर्निंग ऑपरेशन है। और ये आपको फेसिंग है, ये आपको फेसिंग है, ये देखिए ये मटेरियल यहाँ पे हटाया गया है, ये जो इस ये वाला फेस है ना यहाँ पे हटाया जाएगा और ये सरफेस को स्मूथ किया जाएगा, ये आपको टूल है, इधर डेप्थ ऑफ कट लगाया जाएगा, इधर फिट लगाया जाएगा, इधर आपको मशीन सरफेस है, ये आपको वर्कपीस है ना, ये आपको चक है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको फेसिंग फेसिंग ऑपरेशन है ना, ये आपको फेसिंग ऑपरेशन है, ये आपको इसेंट्रिक टर्निंग है, इसेंट्रिक टर्निंग, देखिए ये जो जॉब बना हुआ है ना इसेंट्रिक जॉब है,
एक सेंटर यहां पर है, दूसरा सेंटर यहां पर है, इसको सेंट्रिक जॉब बोलते हैं, है ना। ये आपको एक्सिस ऑफ द जॉब है और दूसरा ये एक्सिस ऑफ द जॉब है। ये आपको सेंट्रिक टर्निंग को आपको फोर जॉ चक में होता है, थ्री जॉ चक में नहीं होता है, ये आपको सेंट्रिक टर्निंग है, है ना, सेंट्रिक टर्निंग है। यस सर, है ना, सेटिंग टर्निंग है। ये आपको नर्लिंग है, सेंट्रिक टर्निंग, हाँ ये आपको नर्लिंग है। ये सारे ऑपरेशंस ना आपको याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं सारे आपको फिगर बना के, मैं कल भी बोला था, ये सारे आपको आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको नल सरफेस है ना, ये आपको नल सरफेस है और ये आपको नर्लिंग होगा सर। आप ये जहाँ पे काम करेंगे ज्यादा, काम करने वक्त ज्यादा ये ध्यान में रहेगा सर नाम, ऐसे जो है ना मतलब भूल जाते हैं हम, प्रयास किए इन नाम याद करने का। हाँ हाँ, हमको ये लग रहा है कि जिस समय ये काम करेंगे ना सर, जहाँ पे वर्क ये जहाँ इंडस्ट्री में जाएंगे कंपनी में, जिस समय काम करेंगे ना उस समय इसको ज्यादा ध्यान में रहेगा कि इसका क्या नाम है। अभी जो है ना सर मतलब याद करते है फिर वही नतीजा आ जाता है, फिर वही पे चले जाते हैं। हमको समझ में आया कि जिस समय काम करते जाएंगे और ये वीडियो फिलहाल हम अभी सब कुछ रख रहे हैं, उस समय भी आपको ज्यादा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ना क्वेश्चन भी पूछने में नहीं आता है कि क्या इसका काम क्या कहाँ पे क्या काम होगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। हमको लग रहा है कि जिस समय काम मशीन पे या लेथ मशीन पे हाथ रखेंगे उस समय थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज होगा कि क्या करना है। इसे ऑनलाइन ये तो 50% तो समझने का है, समझिए रहा है थोड़ा सा, जो जो स्टूडेंट काम क्या होगा या लेथ पे काम कभी कर रहा है अभी करता होगा उसको ज्यादा ये अनुभव होता होगा ये क्या चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिक्कत हो रहा है, होगा सर हो जाएगा थोड़ा सा, अभी तो आप बता रहे ना, उसके बाद जाएंगे जब लेट पे काम तो करना है, जब कागज है सर्टिफिकेट लिया है तो। हाँ बिल्कुल 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 आप सही कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमको ये ऑनलाइन है ये पढ़ने का पढ़ रहा है, लेकिन जब तक लेट मशीन पे हाथ नहीं रखेंगे तब तक इसका पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा, और जब हाथ मशीन पे रख देंगे ना उस समय ये तमाम भी पूरा याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक एक करके जब तक टूल हाथ से नहीं देखेंगे ना तो आपको वो आपको तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे तो आप बहुत एक बहुत बड़ा चीज हम लोग को उद्देश्य दे रहे हैं कि फिगर से कहीं से बुक से लेके हमको इतना चीज समझा रहे हैं आप सर, आपको हम और कलर टाइम दे रहे हैं इसमें तो बहुत सर आपको धन्यवाद, क्योंकि इतना हम लोग को कोई मिल नहीं रहा था, दो साल हम लोग 18-20 सेशन था तो कोई बता नहीं रहा था, आज 10 दिन से कर रहे हैं कम से कम, तो ये देख रहे हैं टूल की ऐसा कर्निंग का अति है, जॉब का ऐसा टूल बन रहा है, इसमें कटिंग रहता है ये रहता है, ये तो कम से कम देखने को तो मिल रहा है सर, बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, हम लोग को निकाल के दिए इसका पीडीएफ मैं भेज दिया हूँ, आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं और वीडियो आप बार बार देखिए, ये सारे हमारे कई बुक आते हैं और जो है वो जो है सारा आपको मैं भेज दूंगा, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। यही सवाल कर रहे थे कि आपका बुक भी आता है सर इस आइडिया का। हाँ हाँ, काफी बुक्स आते हैं हमारे। ये सब बुक का कितना पड़ता होगा एक बुक का, मतलब पूरा फिटर का? नहीं आपको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा। ये तो देखिए रहे ना, मतलब जिसका बुक उसको लेना है फिटर का, उसका प्राइस कितना पड़ता होगा सर? नहीं वो तो रेंज करता ना, 200, 250, 150 ऐसे वो प्राइस पड़ता है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ फाइल मैं आपको भेज दूंगा। जी वो तो भेज ही रहे सर, उसको हम रख रहे हैं, तो हम तो उसको गूगल ड्राइव में रख रहे हैं कि जिस समय काम पे जाएंगे उस समय इसको निकाल के देखेंगे कि क्या कहां सर बताया था, हम खुद इसको सुरक्षित करके रख रहे हैं, और तो ये यूट्यूब पे ये था ये है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना, तो ये एक एक ऑपरेशन है, ये देखिए ग्रूविंग है। जी सर ग्रूव बनाया जा रहा है, ये आपको ग्रूविंग टूल है, जिस तरह का ग्रूव बनाना है ना यहाँ पे उसी तरह का टूल में आपको यहाँ पे शेप बना दिया जाता है। ये आपको फॉर्म टूल है, या आपको इस तरह का शेप बनाना है ना टूल में उसी तरह का आपको शेप बना दिया हुआ और फिर इस तरह का शेप आपको प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब ये जो है ना शेप प्रोडक्ट, मतलब ये जो शेप
फॉर्म टूल जो है यही टूल बनाया है सर, इस मशीन से बन सकता है? ये फॉर्म टूल से ही ये आपको शेप बना हुआ है। अच्छा, कौन ऊपर वाला ब्लू वाला सर? हाँ, ब्लू वाला जो शेप बनाया हुआ ना, इसी से आपको आपको बना हुआ है। अच्छा जी सर, इसी से मतलब फॉर्म टूल बनाते ऐसा जॉब बन के आ सकता है सर? बन सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ग्रुप बनाना है, आपको ये ग्रुपिंग टूल से बना करके आप ये आपको आपको ये आपको जॉब है, ये आपको फाइनल प्रोडक्ट है ना, ये आपको ग्रुपिंग है ना। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आपको क्लियर हो जा रहा है, कई बार आप उसको देखिए वीडियो निकाल के, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपको पार्टिंग ऑपरेशन है, पार्टिंग का ऑपरेशन है, मतलब इसको अलग करना। ये वर्कपीस बन गया, वर्कपीस बनने के बाद यहाँ पे इसको अलग करना है ना। ये आपको रॉ मटेरियल है, यहाँ से यहाँ तक रॉ मटेरियल है ना। तो ये आपको चक में होल्ड है, ये आपको चक में होल्ड है। तो ये आपको पार्टिंग टूल यहाँ पे लगा दिया, और पार्टिंग टूल लगा करके और इसको यहाँ से अलग किया है ना। ये आपको पार्टिंग टूल है, पार्टिंग टूल को यहाँ से फिट देते हैं और ये आपको अलग हो जाता है। ये पार्टिंग टूल बनाता है कौन, क्या चीज है सर, कौन सा जॉब बनाता है पार्टिंग टूल जो है ना? देखिए पार्टिंग टूल का मशीन का नाम ना हुआ सर? नहीं देखिए, पार्टिंग टूल जो है जो जॉब को ना अलग करता है, पार्ट में डिवाइड करता है। अच्छा, पार्टिंग टूल। हाँ, पार्टिंग टूल ये आपको धीरे धीरे ये हटा रहा ना, फिट जा रहा है, तो यहाँ से आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। जब जॉब बन जाता है ना, फाइनली जब जॉब जॉब बन जाता है तो उसको अलग करते हैं। अच्छा, पार्टिंग टूल ये इसका मतलब है कि जो भी जॉब बनेगा ना, तो उसको अलग बीच में मतलब जॉब आ जाता है, और ये दोनों मशीन अलग हो जाता है, यही ना सर? हाँ, मशीन ये इससे अलग कर देते हैं, ये जो रॉ मटेरियल है उससे इसको अलग कर देते हैं। अच्छा जी सर, जी सर, है ना जी सर, ये आपको पार्टिंग ऑपरेशन है जी। और ये आपको चैम्परिंग है। अच्छा, चैम्परिंग। चैम्परिंग का मतलब ये आपको साइड में चैम्पर करता है, ये है ना, चैम्पर है, ये करता है। ये आपको चैम्परिंग टूल है, ये आपको यहाँ से फिट दिया गया है, और ये आपको रोटेट करेगा। ये आपको वर्कपीस है, ब्लू वाला आपका वर्कपीस है ना, ये आपको चैम्परिंग ऑपरेशन है। मतलब इसमें चैम्परिंग मतलब इसका क्या काम करेगा सर, इसमें इस टूल में, जैसे पार्टिंग में बताया कि वे ये चीज ऐसे अलग हो जाता है बीच से, ये चैम्पर करेगा, ये जो चैम्पर बनाया है ना, ये आपको चैम्पर करेगा। ये चैम्पर क्या होता है सर? चैम्पर ये आपको कटा हुआ ना एंगल पे, जी जी सर, इसको चैम्पर बोलते हैं। अगर एंगल पे करना है ना, तो इसको चैम्पर बोलते हैं। अच्छा, कोई जॉब को थोड़ा सा चैम्पर करने के लिए एंगल जो कटा हुआ उस तरह बनाने के लिए उसको चैम्पर कहते हैं सर ना? हाँ, चैम्पर कहते हैं, चैम्पर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो इसको चैम्पर कहते हैं, इसको है ना। ये फीड जो है सर वो, हाँ फीड, ये फीड देते हैं ना, जितना आप फीड देते हैं कि ये टूल को ले जाते हैं, ये टूल को जो है ना, टूल को ले जाते हैं, वह मैनुअली ले जाते हैं, उसमें फीड देते हैं, मैनुअली फीड देते हैं, 1 mm का 2 mm का फीड देते हैं, है ना। अच्छा, 1 mm का 2 mm का उसमें फीड देते हैं, तो मैनुअली उसमें फीड देते हैं, तो फिर वो उसमें आपको जो है आपको फीड तो सभी में दिया जाता है ना, पहले भी इसमें आपको दिया गया था फीड, देखिए यहाँ भी दे रहा है, फीड दे रहे हैं ना यहाँ पे, 1 mm का फीड देंगे तो, और ये तो सर्कुलर राउंड घूमता है, सर्कुलर राउंड घूमता है, तो धीरे धीरे यहाँ से आपको कट होता जाता है फीड, ये yes, फीड छोटा होता जाता है। हाँ, फीड इधर से देते हैं तो आपको 1 mm का यहाँ पे कट होता जाता है ना, सभी में फिट देते हैं, सभी में फिट देते हैं, ये देखिए फिट देते हैं इधर, है ना, सभी में फिट देते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर आपको दिखाया जा रहा है कि सारे जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, जॉब आपको पूरा दिखाया गया, ये टूल आपको दिखाया गया कि ये जो है सारे ऑपरेशंस जो है आपको लेथ में होते हैं, है ना।
क्लियर आपको यहाँ पर आपको दिखाया जाए, है ना, ये आपको फॉर्म टूल आपको यूज किया गया था, और ये आपको नर्लिंग है, इस तरह का शेप बनता है, ये आपको नर्ल टूल है ना, है ना सर। क्या क्या काम होता है सर नर्लिंग का? नर्लिंग का ये इस तरह का सरफेस जो है आपको रेडी किया जाता है, जो पकड़ने वगैरह के काम में आता है, आप देखे होंगे कि कटा कटा हुआ रहता है, तो ये नर्लिंग सरफेस इसको बोलते हैं, नर्ल सरफेस, है ना, नर्ल सरफेस बोलते हैं। इस तरह का सरफेस जनरेट करना है ना, तो ये नर्लिंग टूल से ही आपको जो है आपको चल रहा है सर, कर्सर नहीं भाग रहा है सर, ये जो है ना ये आपको नर्ल सरफेस है, यहाँ पे इस तरह का जो आपको क्रॉस क्रॉस कट किया गया है ना, ये आपको नर्ल सरफेस है, और ये आपको टूल में देखिए कट किया हुआ है, टूल में आपको कट किया हुआ है, और टूल को ले जाते हैं आपको जहां जहां ले जाते हैं, तो वहां पे ये नर्ल सरफेस आपको बनाता जाता है, है ना, ये आपको नर्ल सरफेस आपको आपको बनाता जाता है, ठीक है ना। तो और ये आपको इसेंट्रिक टर्निंग है, इसेंट्रिक जॉब इसको बोलते हैं, दो दो अगर सेंटर होता है ना तो उसको इसेंट्रिक बोलते हैं, एक एक्सिस ये हो गया, दूसरा एक्सिस ये हो गया, देखिए ये जॉब सेंटर अगर हो गया तो क्या बोलते हैं उसको सर, है? क्या कह रहे हैं, अगर सेंटर हो तो उसको दो सेंटर हो गया तो उसे क्या कहते हैं, इसेंट्रिक, दो सेंटर है ना इसमें, हाँ ये आपको इसेंट्रिक बोलते हैं उसको, एक सेंटर यहाँ पे है, एक सेंटर यहाँ पर है, इसेंट्रिक जॉब बोलते हैं इसको, ये पूरा सर्कुलर है, ये भी आपको सर्कुलर है, इसेंट्रिक जॉब बोलते हैं इसको, इसेंट्रिक आपको ये आपको है ना, इसेंट्रिक जॉब जो बनता है ना आपको फोर जॉ चक में बनता है, ये आपको थ्री जॉ चक में नहीं बनेगा, फोर जॉ चक में आपको ये आपको इसेंट्रिक जो है आपको जॉब बनेगा, आपको ये आपको फोर जॉ चक में बनेगा, है ना, yes. ये आपको आपको इसेंट्रिक करेंगे। दूसरा ये फेसिंग है, फेसिंग आपको ये जो सरफेस है ना इसको जो है ना धीरे 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 यहाँ पे कम करके यहाँ तक आने के बाद ये सारा मटेरियल हट जाएगा, ये फेसिंग को करने का मतलब है ये फेस को क्लीन करता है, ये फेस को क्लीन करता है, okay. है ना, ये आपको फिट दे यहाँ पे दे रहा है ना, फिट जा रहा है इधर और डिप तब कट इधर जा रहा है, है ना, ये आपको वर्कपीस हो गया, ये आपको मशीन सरफेस हो गया, ये आपको फेसिंग है, ये आपको आपको चक दिखाया गया, ये आपको वर्कपीस लगा हुआ है, ये आपको फेसिंग ऑपरेशन, yes.